अब तो 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम आंकड़े भी आ चुके हैं, लेकिन क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के 272 के आंकड़े और एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर सकता है? क्योंकि ये नहीं, अभी भी यह संभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनने से पहले क्या आप इस चुनाव परिणाम की सबसे बड़ी और दिलचस्प खासियत बता सकते हैं? वह खास और दिलचस्प बात यह है कि इस बार के चुनाव में हिस्सा लेने वाली सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां और दोनों गठबंधन इसे अपनी अपनी जीत बताते हुए जश्न मनाने में डूबे हुए हैं, सिवाय एक पार्टी के। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने स्पष्ट बहुमत के 272 के आंकड़े से भी 20 सीटें ज्यादा हासिल करके नेहरू युग के बाद पहली बार लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रवेश किया है। अपनी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न तो वे मनाएंगे ही। तो दूसरी तरफ अपना अस्तित्व खो रही कांग्रेस ने राहुल सोनिया प्रियंका की अगुवाई में 99 सीटें जीतकर शानदार वापसी दर्ज की है। ठीक इसी तरह अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी भी काफी हद तक अपना खोया जनाधार पाने में सफल रही है। ठीक ऐसी ही किस्मत महाराष्ट्र में शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की रही, और वे भी खुद को विजयी महसूस कर रहे हैं। उधर बंगाल में अपने सफाए की आशंका से त्रस्त ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस फिर राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। और तो और, देश का चुनाव आयोग भी स्वाभाविक रूप से काफी प्रसन्न होगा। कहां सारे विपक्षी दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर निशाना साधने की जोरदार तैयारी पहले से किए बैठे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद उनकी जुबान पर ताले लग गए। अगर यूं कहा जाए कि इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी दल जीत गए तो गलत नहीं होगा। शायद इसी को कहते हैं लोकतंत्र की जीत होना। इस स्थिति में मात्र एक पार्टी ही अपवाद रही, और वह पार्टी है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। बावजूद इसके नतीजे ने साबित कर दिया कि दोनों राज्यों में पार्टी अपना जनाधार पूरी तरह खो चुकी है। चुनावी नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की 3 लाइन की प्रतिक्रिया भी खुद में बड़ा गंभीर संदेश है। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे तो नंबर गेम होते हैं और सीटें कम ज्यादा होती ही रहती हैं। इसमें उनका स्पष्ट संदेश और चेतावनी भी छिपी है। वह यह कि सरकार तो सरकार होती है, सीटें कम ज्यादा होने से उनकी कार्यशैली पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तो दो टूक कह दिया है कि तीसरा कार्यकाल बड़े और साहसिक फैसलों वाला होगा। रही बात विपक्षी पार्टियों की, तो उन्हें मेरी बिना मांगे मुफ्त की सलाह। घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए अब की बार 400 पार के नारे को लेकर उन्हें ज्यादा बयानबाजी और टिप्पणी करके भाजपाइयों को भड़काने से परहेज करना चाहिए। वरना सभी को पता है कि उनकी पार्टी में अमित शाह जैसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो चुनाव के बाद भी थोक में सीटें इधर उधर करने के माहिर हैं। उनके लिए यह कोई असंभव काम नहीं है, और विश्वास मानिए, बीजेपी अभी चैन से नहीं बैठेगी और अपना खुद का आंकड़ा 272 तक पहुंचाकर ही दम लेगी। अंत में एक मजेदार बात, ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पार्टी मुख्यालयों में एक साथ जश्न मनते देखा गया है।